का, गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यक समाज का जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आदरणीय फूल सिंह बरी दलितों के समझिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हम दलितों के लिए काला करने में तैयार हैं, लेकिन उनका तिरस्कार नहीं होने देंगे, लेकिन उनको बदनाम नहीं होने देंगे। और अगर ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने वहाँ पर चुनाव जीत के बताया, दलित में हम फूल सिंह बरैया जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, जो मध्य प्रदेश के दलितों के मसीहा के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं, हम उनके सम्मान में आज ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, कांग्रेस के सम्मान में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। बोला था अब देखिए ना, 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी, अभी तक डाले क्या? मतलब हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं बताना चाहता हूँ आपको, किया है दोगुनी करने की बात की, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज से कुछ दिन पहले हमारे दलित समाज का एक व्यक्ति के पास टॉयलेट, जय श्रीमान, मैंने अपने माननीय भरैया जी के लिए मुंह काला किया है, क्योंकि हम दलितों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? आज मान लो कि उनने कुछ बोल दिया है, उनको मुंह काला करने के लिए लोग फ़ोन लगा रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला था। अब देखिए ना, 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी, अभी तक डाले क्या? मतलब हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, किया है दोगुनी करने की बात की, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज से कुछ दिन पहले हमारे दलित समाज का एक व्यक्ति के पास टॉयलेट की, उनका मुंह काला किया था। किसका किया था? किसी का किया? नहीं किया भाई। आपने तो घोषणा नहीं करी थी मुंह काला करने की। नहीं, मैंने घोषणा नहीं की थी, मैं अपने नेता को बचाना चाहता हूँ, मैं उनके लिए मैं अपना मुंह काला करना चाहता हूँ। वो करेंगे उससे नहीं, वो बड़े नेता है हमारे, मैं भाई हम उनके बच्चे हैं, हम कर रहे हैं ना काला का मुंह उनकी जगह। मतलब बरैया जी के बदले आपने मुंह काला कर, मैंने कर लिया ना उनकी जगह मुंह काला। तो क्या मुंह काला करके क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपने मीडिया भाइयों को और सभी देश की जनता को, ये दलितों के लिए मतलब इस तरीके के शब्द ना बोले और दलितों का शोषण ना करें।